जान, तुम भी आओ ना स्विमिंग पूल में। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। बट थैंक्स पूछने के लिए, I'm fine। ठीक है फिर, लेकिन पानी बहुत अच्छा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये मेरा पासवर्ड है, यूज कर लेना। आपका पासवर्ड तो पोलन है, पता है मुझे। सेना, क्या कर रही हो? जल्दी रूम से बाहर आओ। आ रही हूँ मॉम। ये टेस्ट करो, अच्छा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट में क्या है? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रदर रिफत सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाता है। मैं थोड़ी चाय लूंगा, तुम चाय लोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी लूंगा। पहले देखते हूँ दरवाजे पर कौन। ठीक है। और बताओ कैसा चल रहा है, सब ठीक है? आइलीन। हाय जॉन। हेलो आइलीन। एमरी है घर पर? हाँ है ना, आओ अंदर। एक्चुअली मुझे तुमसे ही बात करनी थी। ओके, तो अंदर चल के बात करें या दरवाजे पर ही बात करना है? मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे बिल्कुल भी नहीं, चलो बाहर चलते हैं। रिफत ने ये किसी डेरी से चीज लाया, ट्राई करो, तुम्हें पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा है। मैंने खाया, मैं तो फैन हो गया। हेलो एवरीवन। हे आइलेन, कैसी हो? तुम कैसी हो? और बताओ सब कुछ ठीक है? आओ आइलेन, प्लीज बैठो हमारे साथ। कम कम एमरे, अपने लिए चाय ले लो और मेरे लिए भी बना देना प्लीज। एमरे प्लीज आइलीन के लिए भी चाय ले आना। आइलीन प्लीज सेट। सब ठीक है? कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, ये ब्लैक ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। उन दिनों जान बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था ना? ओ हाँ, उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया था। अच्छा, और इसके बाद? ओ हाँ, उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया था। फिर एक दिन वो मुझ पर बहुत चिल्लाया भी था, मुझसे बहुत नाराज हो गया था, मुझे वार्न किया था और इसने मुझे बचा लिया। वो कुछ अलग ही दिन थे, अब तो सब कुछ याद भी नहीं है। और इसके बाद शायद एमरे की एंट्री हुई। हाँ, उसका आना थोड़ा स्पेशल था। एमरे अपनी माँ के साथ विदेश में था और एक साल बाद ही उसने वापस आने की सोची। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। क्यों सबको परेशान कर रही हो? पोलन की बात सुनो। वैसे मैं तुमसे कुछ और ही बात करने आई थी एमरे, लेकिन वो बाद में करते हैं। जॉन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। अच्छा, सच में? मुझे एक बड़ी कार कंपनी ने जॉब ऑफर की है जो मेरी हद से बाहर है, तो मैं वो तुम्हें देना चाहती हूँ, बस एक प्रेजेंट के तौर पर। क्या कहते हो, एक्सेप्ट करोगे? आई थिंक ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। एक बार देख लो और फिर डिसाइड करना। क्या कहते हो? एक्चुअली मैं तो काफी सरप्राइज्ड हूँ। ये प्रोजेक्ट सच में काफी बड़ा और अच्छा है, लेकिन इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? देखो, सच है कि ये बिजनेस है। मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कैंपेन में 50-50 पार्टनरशिप चाहिए। तुम डिपार्टमेंट स्टोर संभालो और मैं इस जॉब के लिए महीनों से काम कर रही हूँ। मुझे पैसे चाहिए और मुझे इसके बदले भी पैसे चाहिए। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, मैंने उनको ऑफर दे दिया है और ये प्रिंसिपल्स की बात है। ऑफ कोर्स,
तो तुम मेरी ऑफर के लिए क्या कहते हो? मैं गलीना में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और उस पर हम साथ साथ काम करेंगे। मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्यों? लेकिन थोड़ा जल्दी करना प्लीज, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो अब मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं चलती हूँ। ओके एमरे, मैं निकलती हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग। जल्दी उठने लगी हो, क्या बात है? तुम 5 बजे के बाद रुकती नहीं। मैं मेरा नॉवेल लिख रही थी, इसीलिए रात भर सोई नहीं, बस यही वजह है। वीकेंड पे क्या कर रही हो? मिस्टर जॉन आएंगे मुझे लेने। बात है, बॉस लेने आएगा? ऐसी बात नहीं है, एक जगह देखने जाना है उनके साथ, बस। तुम दोनों साथ में जा रहे हो? हाँ, तो उसमें बुरा क्या है? तुम ऐसा कह जरूर रही हो, लेकिन उसके साथ कोई और भी है। कौन है वो? कौन कौन है? देखो, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? देखो तो। हाँ वही है। मॉम, ज्यादा एग्जैजरेट होने की जरूरत नहीं है, जरा आराम से मॉम, जरा आराम से। ब्रावो मॉम। गुड मॉर्निंग सनम। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। व्हाट्स अप लैला, कैसी हैं आप? हेलो मिस्टर जॉन, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? आपको यहाँ दोबारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। कैसे हैं आप? क्या मैं सनम को एक बिजनेस मीटिंग के लिए ले जा सकता हूँ, फिर मैं उसे ड्रॉप कर दूँगा? हाँ हाँ, ले जाइए, इसमें परमिशन लेने की क्या बात है, बिल्कुल ले जाइए। क्या हमें रिटर्न परमिशन भी लेनी पड़ेगी? अगर आप कहें तो हम वो भी ले लेते हैं, है ना? अरे नहीं नहीं, ये सब तो फॉर्मेलिटी है, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। आप सब अच्छे से जानते हैं ना मिस्टर जॉन। ओके ठीक है, अब हमें निकलना चाहिए। बाय, आती हूँ मैं। कितना अच्छा इंसान है। कैसी हो तुम सनीम? हेलो पोलिन। दोबारा जरूर आइएगा। हाँ जरूर आऊंगा। तुम जॉन के बहुत ही क्लोज दिखती हो, है कितना अच्छा इंसान है, और वो लड़की कितनी खूबसूरत है, क्या बात है। हाँ मॉम, मैं उसको जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छी इंसान है, स्लिम और लंबी। मैंने सोचा खाने से पहले ही तुम्हारे साथ वो जगह देख लूँ। अच्छा किया, बहुत खूबसूरत है, आपको पसंद आएगी वो। अच्छा है, अपना ख्याल रखिए। चलो जाके काम करो। मॉम चलिए, मैं आपकी मसाज कर देती हूँ। वो देखो मुजफ्फर आ रहा है गुड न्यूज लेके। आओ मुजफ्फर, बताओ क्या हुआ। मैंने अपनी मॉम से बात कर ली है, उन्हें बहुत अच्छे से समझाया मैंने, वो भी ग्राफिक्स के साथ। उन्हें एक एक चीज समझाया, पॉइंट्स बताया, प्रेजेंटेशन भी दिखाया। मेरी मॉम बड़ी ध्यान से सुन रही थी, ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाया मैंने कि मेरी मॉम के होश उड़ गए थे। मेरी मॉम कुर्सी से ऐसे उठ गई। क्या बात है, आगे क्या हुआ? होना क्या था, नहीं मानी, मना कर दिया। क्या बात है। इसमें
मेरा मतलब है कि मैं ज्यादा नहीं बनाना चाहता और हमारे पास स्टोर करने के लिए जगह भी नहीं है। मुझे पता था तुमने काम लिया तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब चलो वापस चलते हैं अपनी वही सुकून भरी जिंदगी में। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, एकदम वक्त पर। हाय लेवेंट। हॉलैंड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम भी नहीं। तुम एक दूसरे को जानते हो? हमारे डैड पुराने दोस्त हैं। जब मैं हार्वर्ड में था तो पोलैंड भी यूएसए में थी। हमारे फादर ने हमको इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने सोचा था कि हम एक अच्छा कपल साबित होंगे, लेकिन फाइनली वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने ऐसा चाहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। कैसी हो सनम? अच्छी हूँ लेवेंट, और आप? मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया। ओके सनम, क्या हम शुरू करें? हाँ बिल्कुल मिस्टर जान। मुझे एक घंटे से तो ये जगह मिल ही नहीं रही थी। मैं कभी भी यहाँ नहीं आया। बड़ी स्ट्रेंज जगह है। आइए मिस्टर निहाल, क्या लेना पसंद करें? क्या चाहिए? मेजरमेंट लूंगा मैं। ओके बे, मेजर? मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेजरमेंट लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं ओके बे, जरा शेल्फ के उस तरफ जाओ। पर तुम ये क्या कर रहे हो? जाओ 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 जाओ। हाँ मैं समझ गई, तुम एक शेल्फ ऑर्डर करने वाले हो ना। नहीं नहीं, रहने दो, मैंने उसके बारे में सोचा है, वो बहुत ही महंगा है, रहने दो तुम। हाँ शेल्फ की बात नहीं है ये। मैं ओके बे, तुम इस स्टोर में आई, तुम एक बिजनेस वूमन हो, तुम एक बिजनेस वूमन बन गई हो और मैं एक हाउसमैन बन गया हूँ। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ मयूकी बे, मैं हाउसमैन बनकर रहूँ, क्लीनिंग कुकिंग सब कुछ ये करूँ। अच्छा ठीक है नियात, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम चाहते क्या हो, बताओ। बिल्कुल सही कहा, मैंने कहा था ना शहर में वीगन बॉल्स की बहुत डिमांड है और हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाँ। मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, हमारी ग्रोसरी शॉप बहुत बड़ी है, उस कॉर्नर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर ऐसे। तो तुम मेरी शॉप को हड़पना चाहते हो? मैं समझ गई, मैं तुम्हारी हर बात समझ गई। नहीं जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो यहाँ से, मैं कह रही हूँ निकलो, जाओ ना, मैं कह रही हूँ जाओ। निहार, एक किलो मीट लेते जाना, मैं अपनी शॉप तुम्हें नहीं देने वाली। आए बड़े शॉप लेने वाले। आराम से। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, दरअसल मुझे धूल से बहुत एलर्जी है और मुझे लगता है कि अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा मुझे इस काम को फिनिश करने के बाद। ये क्या, जरा सी तो धूल है बस, इसके बारे में पहले से ही कुछ सोचने मत लग जाना। ये हैंडसम है, हो सकता है कि ये अल्बात्रस हो। जाओ जाओ, मिस्टर जान की तरफ मत देखो, अपने अल्बात्रस पर फोकस करो। मिस्टर जान की तरफ मत देखो, मिस्टर जान की तरफ मत देखो। तुम ठीक हो मिस्टर जान? हाँ सनम बोलो। क्या आप यहाँ आएंगे एक मिनट के लिए, बहुत अर्जेंट है ये। बहुत अर्जेंट है? हाँ मिस्टर जान। तुम बोलती रहो, मैं सुन रहा हूँ। ओके नहीं, वो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं। मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं जरा देख कर आता हूँ। हाँ बोलो सनम, क्या हो? आपसे कुछ अर्जेंट पूछना चाहती हूँ मैं। हाँ ओके ठीक है, पूछो। हाँ इसके आउटर साइड में कौन सा कलर अच्छा लगेगा? हाँ हरा रंग। हरा रंग,
वेल टू बी ऑनेस्ट, अभी तो हमने उसके अंदर क्या होगा ये भी नहीं सोचा, तो फिर तुम ये सब के बारे में क्यों सोच रहे? मिस्टर जॉन, जब तक बाहर क्या होगा ये समझ नहीं आएगा तब तक मैं इमेजिन नहीं कर पाऊंगी कि अंदर क्या होना चाहिए, इसीलिए मैंने पूछा, ये बहुत अर्जेंट है। मैं समझ गया। ये जगह पुरानी है तो क्यों ना सेम कलर रखा जाए, इसके टेक्सचर को भी हम वैसा ही रखें, यू नो, बिना कोई मेजर चेंज किए हुए। हाँ। वैसे भी ये देखो ना कितना अच्छा होता है, एकदम नेचुरल एंड रियल, जैसा आप कहें। हाँ। मुझे एलर्जी है। मैं पोलन की हेल्प करता हूँ क्योंकि उसने हाई हील पहनी हुई है, उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है। वैसे तुम्हारी चॉइस अच्छी है। थैंक यू मिस्टर जॉन। काफी सेंसिबल। अगली बार कुछ अर्जेंट हो तो मुझे फोन करना, मैं कोई भी सवाल का जवाब दे दूंगा। ओके, मुझे इस तरह बुलाना मत। ठीक है मिस्टर जॉन, अगर कोई काम रहा तो आपको सीधा कॉल करूंगी, आप जाइए। श्योर, आई एम देयर। पोलन तुम ठीक तो हो ना? क्या हो इधर? ओह जॉन, देखो नहीं क्या हो गया, हील टूट गई है मेरी। कहाँ, यहाँ पे? और तुम्हें हील क्यों पहननी थी? यहाँ स्पोर्ट्स शू पहनना चाहिए था, यू नो, फॉर द ओकेजन। अब तुम्हें देख, तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है। लुक, स्पोर्ट्स शू कितना सेंसिबल, कितना सही, कंफर्टेबल। तो बेबी हमें खाना खाने जाना है ना? हाँ, भूल गए क्या तुम? अच्छा, तुम्हारे आइडियाज बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज देना, मैं फिर से एक बार देखूं। लेकिन हमको इसके क्लिप अगले हफ्ते में ही शूट करने होंगे, हम लॉन्च के लिए रेडी हैं, ये अर्जेंट है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं डेरन से बात करता हूँ, सब सॉर्टेड है। अच्छा, मुझे पता चला कि तुमने एलिन के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी है, उसका कॉल आया था मेरे पास, वो डिजाइन में काफी हेल्प कर सकती है तुम्हारी। सनम, थैंक यू सो मच, मेरी माँ को बहुत पसंद आएगा इस जगह पर काम करना। माय प्लेजर। मेरी कोई क्वेरीज होगी तो मैं तुमको कॉल कर सकता हूँ ना? लेवेंट, ऐसा करते हैं कि तुम मुझे कॉल करना और फिर मैं सनम को कॉल करूंगा, ऐसे मैं भी अपडेटेड रहूंगा। ओके, हम उस तरह से ही काम करेंगे। जान, हम चलें क्या? नहीं तो हमें बहुत देर हो जाएगी, है ना? हाँ चलते हैं, चलते। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मून डेजी, तुमने तो सुना होगा ना उसके बारे में? मून डेजी, तुमने वहाँ पर टेबल कैसे बुक कर लिया? वो तो हमेशा फुल रहता है। मुझे 3 महीने बाद डेट मिली है वहाँ की, मुझे तो जलन हो रही है तुमसे। अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। सनम, तुम भी चल सकती हो हमारे साथ, मेरे फ्रेंड्स टेबल अरेंज कर देंगे वहाँ पर। सो ग्रेट, ये तो डबल डेट हो गई। क्या बोला, डबल डेट? क्या मतलब इसका डबल डेट का? दो लोग और दो साथ में। सनम, मुझे खुशी हो। सच कहूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाएं, यहाँ तो सब अच्छा है, तुम मेरी मदद करो ना। हाँ ठीक है, देखो। पोलन, थैंक्स, देखो सारे दोस्त हमारे यहीं पे हैं। सनम, तुम्हें ये जगह कैसी लग रही है? हाँ हाँ, बहुत बहुत ही खूबसूरत है। तुम वाइन क्यों नहीं? सनम ड्रिंक नहीं लेती है। Well, मैं भी नहीं पीता हूँ। जान, हाँ। क्या बात कर रहे हो, इतना भी स्ट्रिक्ट मत बनो, उसे पीने दो ना प्लीज। नहीं एक्चुअली, वाइन पीने से वो अजीब सी बिहेव करने लगती है, वो फिर नॉनसेंस भी बोलना शुरू कर देती है। क्या मैं? अच्छा, मैं नॉनसेंस बोलना शुरू करती हूँ? हाँ? तो क्या मैं आज के लिए एक ग्लास वाइन ले सकती हूँ? तो फिर से तुम वाइन पियोगी, इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगी और फिर अजीब हरकतें, नॉनसेंस बातें करोगी, है ना? मुझे एक ग्लास वाइन चाहिए। ठीक है, पियो। सनम, हम 46th एनिवर्सरी के बारे में बात नहीं करेंगे, कैसा लग रहा है तुम्हें? तो समझ रही हो तुम? 46th एनिवर्सरी, लॉज लॉज लॉज। हाँ मुझे याद है, 11th उस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी थी, है ना? नाम मत बोलना, मुझे याद है ना? सही कह रहा हूँ ना? हाँ यसिम मेरे साथ। हाँ यसिम, बिल्कुल, इसकी गर्लफ्रेंड थी तब यसिम, और इसकी दाढ़ी भी नहीं थी उस वक्त, है ना? उस रात बहुत सारी घटनाएं हो गई थी, किसी बहुत जेलस हो गई थी और वहाँ से निकल गई थी। क्या वो वहाँ से चली गई थी? मतलब उस रात क्या हुआ था ऐसा कि वो वहाँ से चली गई? मैं ये सब यहाँ नहीं कह सकता, ये थोड़ा सा गंदा है। बताओ ना, गंदा या फिर कुछ रोमांटिक सा? रोमांटिक औरत के लिए और गंदा आदमी के लिए।
मैं आप लोगों के लिए क्या लूं सर? हाँ, अभी के लिए ड्रिंक और स्टार्टर ले आओ, बाकी मेन कोर्स हम बाद में ऑर्डर करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा रुक के। हाँ थैंक यू। ओके सर। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या लेना है। मेरे लिए एक ग्लास वाइन प्लीज। सलीम तुम क्या लेना पसंद करोगी? मैं देखती हूँ। शुक्रिया, मैं ऑर्डर देती हूँ। सनम तुम एक मिनट के लिए बाहर आओगी प्लीज? ऑफ कोर्स। श्योर। हाँ चलो बाहर की तरफ। सनम प्लीज स्टॉप इट यार। आप लेवन के बारे में बात? नहीं, इन जनरल। प्लीज जो तुम कर रही हो वो मत करो, इट्स नॉट गुड। क्यों, क्या कर रही हो? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? तुम कर क्या रही हो या तुम चाहती क्या हो? मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करना चाहती हो। मिस्टर जैन, क्या हुआ? अगर आप लेवन के साथ मेरा जो बिजनेस रिलेशन है उसके वजह से बुरा फील कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन आप ये जो बात गुस्से की नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है वहाँ क्या हो रहा है? हम दोनों जो वहाँ पर कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। पॉलन मेरे साथ नहीं रहेगी, लेवन तुम्हारा अल्बेट्रॉस नहीं है, उनके साथ हमारा फ्यूचर नहीं है। पर आप इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? इट इज नॉट योर बिजनेस, ये आपकी लाइफ है और ये ऐसा पॉलन के लिए भी सही नहीं है। मैंने पॉलन से ब्रेकअप कर लिया। अच्छा ऐसा, पर आप जरा सोचिए क्योंकि पॉलन एक बहुत ही अच्छी लड़की है वो। हाँ वो तो है। मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगी मिस्टर जान, डोंट वरी, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। चलते हैं। ये कार तो बहुत एक्सपेंसिव है, स्क्रैच आ गई तो? नहीं नहीं, वो आदमी हमारा कस्टमर है, अगर वो यही चाहता है तो हम यही करेंगे। तुम नकार कैसे सकती हो? नॉट पॉसिबल। ऑफ कोर्स मिस्टर लेवेंट। सनम, इन लव वर्ड्स को अकेला छोड़ देते हैं और कहीं बाहर चलते हैं हम लोग, है कि नहीं? हाँ आप सही कह रहे हैं, हम अभी आते हैं। सनीम तुम अपना नंबर इसमें लिख दो, मैं तुम्हारे टच में रहना चाहती हूँ। लेवन तुम तो कार से आए थे ना,
हम तीनों एक टैक्सी से ही चले जाते हैं और मैं सनम को छोड़ दूंगा। ये मुझे छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। हाँ मैं इन्हें छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ। चलो पोलैंड हम भी चलते हैं, अपना पर्स ले लो, कम ऑन। आराम से आराम से। सुनो सर की गाड़ी लेके आ दो। सर प्लीज कीज मुझे देंगे। हाँ चलो आराम से आराम से। ओके रुको। तुम अंदर बैठो, मैं एक मिनट में आता हूँ। तुम मुझे सही वर्ड नहीं मिल रहा है एक्चुअली। लुक तुम सच में उसके साथ जाना चाहती हो? हाँ। तुम उसके साथ जाओगे? हाँ। ओके एज यू विश। आ जाओ बैठ जाओ। मैं नहीं आ रही, आप जाइए। अरे श्योर? अभी तो पूरी रात बाकी है। आई होप कि तुम एल्बेट्रॉस ना हो। मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे घर जाना है। ठीक है कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। अब तुम ठीक फील कर रही हो ना? तबीयत ठीक है? मेरा सर घूम रहा है। आउच, प्लीज आराम से चलो। आराम से चलो। जान आज बहुत मजा आया ना? पॉलिन मुझे थोड़ी सफोकेशन हो रही है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे अलोन। तुम सो जाओ, मेरे लिए वेट मत करो, प्लीज सो जाओ। आराम करो तुम, प्लीज अच्छे से सोचो। हाँ मैं जाता हूँ। हेलो सनी। सनीम जान चला गया। बोला तुम हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जान मुझे छोड़कर चला गया। वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी सनीम। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। ओके मिस्टर जान को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होंगे, डोंट वरी। सनीम मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्या करूं? मुझे अभी उसके साथ होना चाहिए था, उसे अच्छा फील करवाना चाहिए था, और मैं यहाँ पर बैठी हूँ और वो जाने कहाँ चला गया सनीम। अब मुझे खुद ही बहुत बुरा लग रहा है, क्या करूँ मैं? I understand, but मैं उसे अभी ढूंढने जा रही हूँ।
नहीं नहीं कहीं मत जाओ, रुको मैं वहां आती हूँ, और जब तक मैं नहीं आती कहीं मत जाना, समझी? हाँ ठीक है सनीम, तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। सनम बहुत ध्यान से सुनो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम बोलोगी तो मैं रुकूंगा, और नहीं बोलोगी तो हमेशा के लिए चला जाऊंगा। पता नहीं तुम जिस अल्बर्ट रॉस को ढूंढ रही हो ना, वो मैं हूं। सनम क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो तुम? ये जो तुमने बनाया है ना, वो एकदम परफेक्ट है तुम्हारी तरह। मुझे आपसे कुछ कहना है, मैंने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया, मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं। यहाँ हम पहुंच तो गए, लेकिन मिस्टर जान गुस्सा तो नहीं होंगे ना, अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सनी हम बस उसे देखकर चले जाएंगे, पता नहीं वो ठीक होगा कि भी नहीं। ठीक है मैं उसे देखकर आती हूँ, तुम यहीं पर रुकना। तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ अगर अंदर आऊँ तो ठीक रहेगा ना? हाँ अभी तो मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, पर तुम यहीं रुकना, मैं अभी देखकर आती हूँ। ठीक है हम यही इंतजार करेंगे। ओके मैम, जैसा आप कहें।
उसका नेम? मिस्टर जान ठीक है क्या? जान अंदर ही है, वो बस अकेला रहना चाहता है। वो अकेले रहना चाहते हैं है ना? वो तुम पे गुस्सा तो नहीं हुए ना? तो मैं पहले से जानती थी कैब हमारा इंतजार कर रही है। सुनो, क्या तुम अकेली चली जाओगी? मुझे जान के साथ रहना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम भी अकेली रहना चाहती हो, मैं समझ गई। गुड नाइट। थैंक यू। अब वापस चलना है। जान, बोलन, बोलन तुम यहां पर क्या कर रही हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? सनम ने मेरी मदद की। सनम ने हेल्प की? कहाँ पर है सनम? उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया और वो चली गई। वो इस वक्त अकेले गई है? क्या सनम के साथ लेवेंट भी था? मुझे नहीं पता जान, शायद था, लेकिन जब मैंने उसे कॉल किया तो वो आ गई। ओके, मैं देख कर आता हूँ। जान जरा रुको, कैब चली गई है और वो बच्ची नहीं, चली जाएगी खुद ब खुद। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, सनम खुद का ख्याल खुद रख सकती है ना। लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई? मैंने तुमसे कहा मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, तुमने पी रखी थी, बस इसलिए आई। लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है ना? मैं ऐसा ही हूँ, तुम जानती हो है ना? और तुम प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो। चलो चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं कैब बुलाऊंगी, हम चले। नहीं, मुझे नहीं पीनी चाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर रुक जाऊंगी। बोलन, बिल्कुल नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्लीज, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, तुम मेरे साथ आओ। यहाँ पर आराम से बैठो और मैं सब बंद करके आता हूँ। बैठो बैठो। हाँ डेरन। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा है। तो हमें एक्चुअली ऑर्गिड कैंपेन के लिए शूटिंग शुरू करनी है। तो हम शूटिंग करने वाले हैं, 11th का असिस्टेंट तुम्हें ईमेल कर देगा। ओके ओके, गुड नाइट। जान, तुमने पूरे रास्ते मुझसे बात तक नहीं की, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं नहीं पॉलिन, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम। मैं खुद को शांत करने वाला था और उसके बाद मुझे तुमसे बात करनी थी। मैं तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूँ सच में, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बातें मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है? एक काम करो, आज तुम तुम्हारे बेड पर सो जाना, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊं। नहीं नहीं पॉलिन, मैं अंदर नहीं सो सकता, तुम अंदर सो जाना और मैं बाहर गार्डन में सो जाऊंगा। ठीक है, ओके, तो मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट पॉलिन। हकीकत बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होती है, लेकिन सपनों की कोई लिमिट नहीं होती, वहां पर हर कोई परफेक्ट होता है। प्यार इटर्नल होता है, खुशियां इटर्नल होती है। जब आप अपने प्यार के साथ होते हो तब भी सपना देख सकते हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ सपने हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास। तुम एक ब्रांड न्यू सनम क्रिएट कर सकती हो, एक बहादुर और बोल्ड सनम।